सो 4.2 इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अ कार ऑफ मास 100 किलोग्राम ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आर इज यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर. अ कार ऑफ मास 100 किलोग्राम इज द मास एम ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आर. द कार इज ट्रैवलिंग, इट इज़ ऑलरेडी मूविंग, सो द इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आर. वो रेस्ट से मूव करना स्टार्ट नहीं हुई है, वो पहले से मूव कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी आपको बताई गई है 72 किलोमीटर पर आर वी आई. इट इज़ यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट. नाउ आप बाद में उसके बाद वो रेस्ट में आ गए और ब्रेक लग गए ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर. आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, एस इज 40 मीटर. इट यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू द रेस्ट मीन्स वी एफ इज इक्वल टू ज़ीरो. इट इज़ नॉट मैंशनड हेयर, बट रेस्ट से आपको याद रखना होता है ना कि रेस्ट में आ गई तो उसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इज ज़ीरो. फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन फर्स्ट एंड द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स. ब्रेकिंग फोर्स आपको एक बात बता रही है कि एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन. ब्रेकिंग फोर्स का मतलब ये है कि जब ब्रेक अप्लाई होते हैं तो यहाँ पर फोर्स नेगेटिव में होगी, और जब फोर्स नेगेटिव में होगी तो एफ इज इक्वल टू एम ए जब करेंगे, तो जब प्रोडक्ट लेंगे मास एंड एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव में होगा मींस डिसेलरेशन और रिटार्डेशन. सो हेयर वी कलेक्टेड द डाटा, एम इज इक्वल टू 100 किलोग्राम, मास इज 100 किलोग्राम, वी आई इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आर, वी एफ इन केस ऑफ रेस्ट 0 मीटर पर सेकेंड, S is 40 meters. We have to find out the average acceleration, which is deceleration or negative acceleration. Why? Because braking force is mentioned here, and braking force we have to find out the average braking force also. अब जब डेटा हम बना लेते हैं, हम क्या करते हैं, एक दफ़ा पूरे डेटा को देखते हैं कि इसमें कोई यूनिट्स में कन्वर्जन की ज़रूरत तो नहीं है. यहाँ पे भी ऐसा यूनिट मीटर, मीटर पर सेकंड, किलोग्राम, मगर किलोमीटर पर आर इज़ डिफरेंट. मीटर एंड किलोमीटर में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है. तो हम क्या करेंगे, हम या तो इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में करेंगे अगर, और या तो फिर इस किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में करेंगे. तो ये मीटर है, ये भी मीटर पर सेकंड है, तो सिर्फ एक डिफरेंट है, तो इस वाले को चेंज करेंगे. ठीक है, जो बच्चे कहते हैं ना हमें कौन सा पता चलेगा किसको चेंज करना है, तो ज़्यादा यूनिट्स जिस तरफ होते हैं तो दूसरे वाले यूनिट को उस तरफ स्विच कर देते हैं, या फिर कोशिश करते हैं कि ऐसा यूनिट्स में ही सारे स्विच कर दें, कन्वर्ट कर दें. तो 72 किलोमीटर्स, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए किलोमीटर इज़ अ बिगर वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू. तो जब ये किलो से बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाएंगे तो आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं. किलो मींस 1000, तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया. 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय आवर, आवर मींस 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स. तो हमने यहाँ पे किया 60 इंटू 60. ये पहले भी आप कर चुके हैं बार बार, चैप्टर नंबर 3 में भी ये वाली कन्वर्जन किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए. तो 72,000 और 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इज 3600. यहाँ से जीरोस कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड आएगा. मैंने यहाँ कैंसिलेशन नहीं की, आप यहाँ पर ख़ुद से कैंसिल करके 20 मीटर पर सेकंड आएगा आंसर. अब आप लिखिएगा 36 ones are 36, 36 twos are 72, और बाकी एक ज़ीरो यहाँ पर आएगा 20, और ये दो ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे 20 मीटर पर सेकेंड. तो अब कन्वर्ट हो गया 20 मीटर पर सेकंड में. अब सारे यूनिट सेम हो गए, मीटर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, किलोग्राम. सो फर्स्ट इज एक्सेलरेशन. सो फार्मूला फॉर एवरेज एक्सेलरेशन हेयर इज 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर. इसमें वी एफ भी है, वी आई भी है और s भी है. अब हम एवरेज एक्सेलरेशन का जनरली तो ये फार्मूला यूज़ करते थे ना, a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी. लेकिन हमने ये फार्मूला क्यों यूज़ नहीं किया, बिकॉज टाइम इज़ नॉट मैंशन इन द डाटा, टाइम इज़ नॉट मैंशन एनी वेयर इन योर क्वेश्चन. सो इफ़ द टाइम इज़ नॉट मैंशन देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द विद दिस फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन. 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, विच इज़ योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. सो a इज इक्वल टू वी एफ
स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन टू एस, ज़ीरो है इसको स्क्वायर किया, माइनस 20 का स्क्वायर किया, वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाई 40 ए इज़ इक्वल टू माइनस 400, ज़ीरो ज़ीरो में से आप यहाँ 400 को 20 का स्क्वायर लेंगे तो 400 आएगा, उसको माइनस करेंगे तो माइनस 400, 2 4 8 80, सिंपल ए इज़ इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस इंडिकेट्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, जो कि अभी हमने आपको बताया था कि ब्रेक सप्लाई होने का मतलब ये है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगी, सो इज इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। एंड द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स इज एफ इज इक्वल टू एम ए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आपने निकालनी है इसकी वैल्यू। एफ इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम इज द मास एंड 5 अभी हमने फाइंड आउट किया, माइनस 5 इज द एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, सो 1000 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 इज माइनस 5000 न्यूटन। यहाँ पर भी आप इसका रिजल्ट लिखेंगे, द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ अ कार इज माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स इज माइनस 500 न्यूटन।